الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن دھیان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اس علاقے کی آن بان شان علماء حق کی پہچان مولانا آصف صاحب جو یوکے سے تشریف لائے ہیں
मुफ्ती शाहिद साहब, दिगर उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे दुआगो हैं। अल्लाह मेरी हाजरी, आप हजरात की हाजरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरा तुम्हारा अकीदा है, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार है। जो किताब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, वो किताब सारी किताबों की सरदार है। और ये उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, इस उम्मत को अल्लाह ताला ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमूना बना करके भेजा। कुरान करीम अगर मतन है तो आमीना के लाल की सीरत ये इसकी तफसील है। कुरान करीम अगर इजमाल है तो आमीना के लाल की सीरत इसकी तशरीह है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इन तमस्सक तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर इन दोनों को मजबूती से थाम लिया तो मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, दूसरा सुन्नती, मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। आज देखो हमारा रवैया कैसा है कुरान के साथ, बल्कि कितने लोग आज भी ऐसे हैं जो अहादीस का, कुरान करीम की तिलावत का, हिफ्ज का इतना एहतमाम फरमाते। थोड़े टाइम पहले मैं कश्मीर गया था, वहां डोडा में मेरे एक दोस्त है मौलाना अखलाक साहब, डाबिल के फाजिल है। जब मैं कश्मीर से यहाँ आया तो उनका मेरे पे फोन आया, मौलाना आप यहाँ से तशरीफ ले गए, यहाँ एक ऐसा किस्सा पेश आया, मैं पूरा हिल चुका हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा यहाँ बम्बई अंधेरी से एक जमात आई थी, अमीर साहब ने कहा हमारा साथी जुमा का दिन है, कुछ बात करना चाहता है, तो इजाजत दे दी। तो खुतबे से पहले वो जो जमात का साथी था, इन्होंने 40 हदीस सनद के साथ सुनाई, तर्जमा किया। मौलाना अखलाक साहब सोच में पड़ गए, शायद ये कोई दारुल उलूम देवबंद का फाजिल होगा। जब नमाज से फारिग हुए, सहन ने मुलाकात हुई, कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग है? कहा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी याद है। इनका नाम था अब्दुल रहमान, मेरे को उनका नंबर दिया। वो कहते हैं ऑटो रिक्शा चलाने वाले कि मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम बुखारी रखी होती है, जींस टी शर्ट वाली लड़की को मैं अंदर नहीं बिठाता, बुरके वाली को बिठाता हूँ। हमारा वाला तो पीछे आ जाए तो कांच साफ करता है, जैसे पीछे हुरा के बैठी हो। और वो फरमाते मैंने अल्लाह ताला से कहा मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अल्लाह के नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद न कर लूं। यहाँ कितनों को दुआएं कुनूद याद नहीं होता, कितने जवानों को जनाजे की दुआ नहीं आती, बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई जनाजे की दुआ नहीं आती। अरे कौन सी दुनिया, क्या काम आता है दुनिया से? मेरा तुम्हारा अच्छा अमल, जिक्र रहमान, तिलावत कुरान, बाकी कुछ साथ नहीं आता। प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगले, कोठिया, सारा यहाँ कुछ रह जाता है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी,
बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर। खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, औलिया भी आए, अंबिया भी आए, अतिया भी आए, सुलहा भी आए, बुलगा भी आए, उलमा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए, बड़े बड़े व्यापारी ताजिर आए, बड़े बड़े मालदार आए। यकीन करो दौलत में फिरौन भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। शाहजोरी में रुस्तम भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। दराजी उमर में पैगंबर नूह भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्ने अफान क्यों ना हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों ना हो, खामोशी में पैगंबर जकरिया क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, किताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना हो, इफ्फत में मरियम क्यों ना हो, इस्तेकामत में हाजरा क्यों ना हो, इस्तेकामत में हाजरा क्यों ना हो, हया में फातिमतु जहरा क्यों ना हो, इलम में आयशा सिद्दीका क्यों ना हो। हर एक को दुनिया से दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलव कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, घरों में छुप जाओ। अल्लाह फरमाता है जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, अगर अल्लाह का कुरान सीने में है, अगर अल्लाह के कुरान से दोस्ती है, अगर अल्लाह के नबी की सुन्नतों की मुआजबत की है, सुन्नतों को अपनी जिंदगी में उतारा है, यकीन के साथ कहता हूँ मरेंगे बामड़वेल के अंदर अल्लाह जन्नत के आठों दरवाजों को खोल देगा। और इतना खराब माहौल है मुसलमानों, नौजवानों का तो इतना बुरा हाल है, साल साल गुजर जाता है कुरान को हाथ नहीं लगाते। दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक बैठे रहते इंटरनेट पर। दस दस साल की लड़कियां काफिरों के सामने इंटरनेट पर वीडियो कॉल पे अपना बदन दिखाती है। वो कैचअप करता है, ब्लैकमेल करता है, फिर वह पंखों पर लटक जाती है। 12-12 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। 13 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, रोजाना इर्तिदाद के शिकार होती। कहते 40 लाख का बजट है। मौलाना साहब मेरी बच्ची भाग गई, किसी ने कुछ पिला दिया होगा, तूने कुरान की घुट्टी पिला दी होती किसी काफिर की, मजाल है तेरे बेटी की तरफ आंख उठा के देखे। इतना बुरा मौसम, इतना खराब माहौल है। जुमा जुमा को मस्जिदों में आते, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। सच्ची बात यह है कि हमें खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते सरे आम महफिल में, इतने संगदिल हो गए रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मस्जिदों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, कुरान से दोस्ती करो 24 घंटे। मैंने क्या था, रोजाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। पिछले जमाने में एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए थे, वहां उलमा की आमद और रफ्त नहीं हुआ करती थी। जब मौलाना साहब वहां तशरीफ ले गए तो इलाके वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया तो मौलाना का दावतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज ये ले जा रहा है, कल को वो ले जा रहा है। तो एक घर में मियां बीवी थे, वो आपस में कहने लगे,
लोग मौलाना को दावत करा रहे, तेरी क्या राय है हमारे घर बुलाया जाए। तो उसकी बेगम कहने लगी, लोग जन्नत कमा रहे हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर भी बुलाया जाए। उनका एक मासूम नौ मौलूद बच्चा था जो अभी अभी दुनिया में आया था। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना घर तशरीफ लाए, हुजरे में बिठाया, खाना खिलाया, मौलाना ने दुआ की, हाथ धोए, मौलाना रुखसत हो गए। उसके बाद उसकी घरवाली जिस हुजरे में बिठाया था उस हुजरे की सफाई के लिए अंदर गई, कमरे को पूरा छान मारा, टटोला, लेकिन वहां उसके कुछ पैसे रखे हुए तो पैसे नहीं थे। वो अपने खाविन से कहने लगी, मौलाना के अलावा यहाँ कोई आया नहीं, पैसे है नहीं मेरी, जरूर मौलाना पैसे उठा के चले गए। तो उसका खाविन कहने लगा, अकीदत ने बुलाया था, ये तो गलत काम किया, मौलाना ने चोरी कर ली। एक साल तक बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो अपनी बेगम से कहने लगा, इस साल बुलाया जाए, कहा हो सकता है मजबूरी में चोरी की होगी, बुला लिया जाए, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। मौलाना को बुलाया गया, मौलाना तशरीफ लाए, कहा मौलाना साहब गुस्ताखी माफ करना, गुज़िश्ता रमजान में आए थे, इसी उजरे में बिठा के खिलाया था, आप यहाँ मेरी बेगम के कुछ पैसे थे, आप तशरीफ ले गए, साथ साथ पैसे भी तशरीफ ले गए, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो मौलाना क्यों रो रहे? कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, हवा पंखे की हवा की वजह से तुम्हारी बेगम के पैसे उड़ के इधर उधर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे, रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने आ रहा हूँ जिस घर की मियाँ बीवी ने साल हो गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। हमारी बस्ती में बहुत सारे मकान ऐसे मिलेंगे, घर में 10-10, 12-12 अफराद मौजूद है, कसम खाने को तैयार है, साल गुजर जाता है कुरान देखता भी क्यों नहीं। ये कसम खाने के लिए कुरान रह गया, कुरान का शिकवा है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता जुस्दान और हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है खुशबू में बसाया जाता हूँ, जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत जाता हूँ। कसम के लिए रह गया, तावीज के लिए रह गया, टोना टोटके के लिए कुरान रह गया। इसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजें देखकर जा रहा हूँ, पहले नियत करो इंशाल्लाह थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अगर मजबूती से थाम लिया, मैं कहता हूँ हम बदर में कितने थे बोलो? 313। कितने थे? आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है और 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, 56-57 इस्लामी रियासत है, जहां कहीं देखो मुसलमान गाजर मुली की तरह कट रहा है। हमारा मुल्क ही देख लो, हमारी मस्जिदों के बाहर इनके नारे लगते हैं, मस्जिदों में बम फट रहे, तबलीगी मिशन पर कदगन लग रही है, खानकाओं को उजाड़ा जा रहा है, उलमा को बगैर कसूर के जेलों में डाला जा रहा है, लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर अगवा किया जा रहा है। हाल क्या है? नौजवानों का इंस्टाग्राम नहीं छूटता, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का महीना, अरे नवासे की कहानी ही सुन लो, उशिमर छाती पे का हुसैन मांग क्या मांगता है, का छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे, कह मैं हुसैनी हूँ, मैं मोहम्मदी हूँ, हुसैन याद है सीरत हुसैनी याद नहीं, मोहम्मद याद है मोहम्मदी नारे लगाते हैं, सीरत मोहम्मदी याद नहीं। 313 थे, क्या सरमाया था हमारे पास? 6 घोड़े, 2 घोड़े, 6 ऊंट, 8 तलवारें, जिनके पास तलवारें नहीं थी इन्होंने खजूरों के डंडे हवा में लहराना शुरू कर दिए थे।
ये जब ये काफला मदीने के चौक से गुजरने लगा तो वहां कुछ मुनाफिक बैठे थे, इन्होंने तमस मजाक उड़ाया, किस कौम से लड़ने जा रहे हो जो कील कांटों से लैस होके आ रही। वहां काफिरों का 1000 का लश्कर था। हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे जा रहे थे, एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अल्लाह ने 1000 का लश्कर फरिश्तों का आसमान से उतारा। बोलो जोर से बेशक, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। मदद क्यों नहीं आती? हमने दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, नबी की सीरत छोड़ दी। जिस रब ने फरिश्तों को उतारा था उसी रब ने कौमे लूत पे कंकरों को भेजा था, उसी रब ने 70,000 को जलील बंदर बनाया था, नापतोल में डंडी वालों करने वालों पे उसी रब ने अजाब भेजा था, लड़कियों को छोड़ के लड़कों से बदकारी करने वाली कौम पे उसी रब ने अजाब भेजा था। अगर अजाब भेजने पे आए तो आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। 313 थे लेकिन अल्लाह की कसम जलील नहीं थे। जिस जिल्लत पस्ती जबूहाली के आज शिकार है ऐसे जलील नहीं थे। अगर इसी हदीस को पल्ले बांध लो इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाएगा। एक हाथ में अल्लाह का कुरान पकड़ लो और एक हाथ में नबी का फरमान पकड़ लो, अगर सीने में दोनों चीजें आ गई, जिंदगी में नबी की सीरत आ गई, इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। हमारे नबी की सीरत कैसी थी और क्या कुछ नहीं बताया, खाना खाने का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, अरे इस्तिंजा करने का तरीका बताया। कौन मजहब इतना सिखाता है? शादियां करके बताई, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीके तकार देखो। फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे नबी को इतना प्यार था, इतना प्यार था, हमारा नबी फरमाया करता था, फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, सही हदीस में मौजूद है। फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सरकार मदीना की खिदमत में हाजिर होती, फाजला सना फी मजलिसिगी, हदीसे पाक में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर का इस्तकबाल करते, पेशानी चूमते, उस गद्दी पे बिठाते जहां खुद हुजूर बैठा करते थे। और अगर शादी करनी है, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी है, खाविंद की उम्र ज्यादा है, तो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तला के खाविंद का बर्ताव देखो। आयशा रदी अल्लाह तला की उम्र 9 साल जब रुखसती हुई और हुजूर की उम्र 53 साल। कितनी? 53 साल। लेकिन चश्मे फलक ने आज तक इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं देखा जितना प्यार आयशा और नबी के बीच में था। इसलिए मिशकात में है अल्लाह के नबी कहां करते थे, या अल्लाह जो चीज मेरे इख्तियार में वहां इंसाफ करता हूं, लेकिन ये दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, दिल में आयशा बसी हुई है, मेरी गिरफ्त न करना। खुदु निस्फ दीनिकुम मिन हुमेरा, कहां आधा दिन हुमेरा से, कहां आयशा न होती दीन नाकिस रहता। प्यार कैसा था? आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा पानी नौश फरमा रही है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा ओ मेरी आयशा थोड़ा सा पानी बचा कर मुझे भी दे देना। आप खुरा थोड़ा सा पानी बचा कर प्याला हुजूर के हाथों में थमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेरी आयशा बता इस प्याले में, इस ग्लास में तेरे होठ कहाँ लगे? आयशा सिद्दीका अल्लाहु ताला ना ने जब वो जगह बताई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी जगह अपना लब लगा कर पानी नोश फरमाया। ये तरीका देखो, आज का मर समझता अगर ऐसा करूंगा बुजुर्गी खत्म हो जाएगी, इसी वजह से तो तलाके पड़ती है, इस दिवाजे जिंदगी कौन पड़ता है। रेस लगाई, रेस दौड़ लगाई, नबी को क्या जरूरत थी अपनी बीवी से दौड़ लगाने की? 50 निकाह होते 500 तलाके हो जाते, छोटी छोटी बातों में, बात में कुछ वजन नहीं होता। अरे हजारों लड़कियां बाप के घर तलाक लेके बैठी हुई है,
इस दिवाजी जिंदगी पड़े तो एक संभली नहीं जाती, चार के फतवे पूछते फिरते। इस रास्ते से जीना भी इतना आम है, गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। रोजाना खबरें आती है, तीन तीन बच्चों की माँ भाग जाती है, तीन तीन बच्चों का बाप भाग जाता है, चार चार पांच पांच खानदान बर्बाद हो जाते हैं। उसके बच्चे वीरान, इसके बच्चे भी वीरान। वो लतीफे के तौर पर किसी ने कहा था, एक आदमी की बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी की, जिससे शादी की उसका शौहर मर गया था, उसके भी बच्चे थे, इसके भी बच्चे थे, वो बच्चे लेकर आई, इसके बच्चे, इसके भी बच्चे। ये ऑफिस में काम कर रहा था, इसका फोन आया, कहा जल्दी घर आओ। कहा क्या हुआ? कहा पहले मेरे बच्चों ने तुम्हारे बच्चों को मारा, अल्लाह ने कुछ टाइम के बाद इनको भी बच्चे दे दिए। तीसरा सिलसिला, दो तो ऑलरेडी थे ही। फोन किया, जल्दी घर आओ। कहा क्या हुआ? कहा पहले तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा। कहा फिर? कहा फिर मेरे बच्चों ने तुम्हारे बच्चों को मारा। कहा फिर? कहा ये दोनों बच्चे मिलकर अपने बच्चों को मार रहे हैं। यहाँ यहाँ शैतान है, यहाँ यहाँ गंदा काम यहाँ होता है। यहाँ आंखें देखती है ना, यहाँ यहाँ दिल और ये दिमाग, सारा प्लान यहाँ बनता है। ये आंखों में है ना हया का पहरा लगाओ, आंखों में हया का सुरमा लगाओ। नौजवानों की से बिलखुसूस कहूंगा, अगर मोबाइल से नहीं बच सकते तो मोबाइल छोड़ दो। ये मोबाइल जन्नत में भी ले जाएगा, जहन्नम में भी ले जाएगा। तुम्हें ऐसा है कि ये मोबाइल से मेरा बचना मुश्किल है, इतने अल्लाह वाले तो है नहीं, तो छोड़ दो मोबाइल। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है, शोहर की उम्र कम है, तो खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खाविन का बर्ताव देख। खदीजा की उम्र 40 साल, नबी की उम्र 25 साल। खदीजा की वफात के बाद बार बार हुजूर खदीजा का जिक्र फरमाते थे। आयशा सौकन थी, इन्हें चोट लगती थी, बशरी तकाजा था। कहा वो तो फौत हो गई, बार बार इसका जिक्र क्यों फरमाते? तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, आयशा खदीजा के बाप ने परेशान न कर, सारे मक्का वालों ने मुझे पत्थर मारे थे, खदीजा ने मेरी नबुव्वत का इकरार किया था। आखिरी वक्त आया, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शदीद बुखार है, जिस्म कहां पर आए, अपनी बेटी फातिमा से कहा जा अब्बा जान के पास जा, चादर रहमत ले आ। फातिमा आई, कहा अब्बा जान, अम्मी जान ने चादर मंगवाई। तो कहा क्यों मंगवाई है? जा पूछ क्या। पीछे पीछे हुजूर भी आ गए, खदीजा के पास आए। कहा खदीजा चादर क्यों मंगवाई? कहा लगता है आखिरी वक्त है, मेरे दिल की तमन्ना है मुझे आपकी चादर रहमत में कफन दिया जाए। अगर तुम्हारा नवासा है उसके साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो करबला वाले नवासे के नाना का सलूक देखो। अगर तुम्हारा दामाद है उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो उस्मान इब्न अफ्फान, शेरे खुदा अली मुर्तजा के सुसर का सलूक देखो। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तो मदीने के रियासत के शहनशाह का रवैया देखो। किसी मोड़ पर अल्लाह के नबी ने हमें तनहा नहीं छोड़ा, इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता, कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकता जब तक मैं उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, तमाम लोगों से, उसकी हर हर चीज से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। अरे हम उस नबी की सीरत को क्यों ना अपनाए? अल्लाह ने जिसका कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिसके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा,
जिनके दांतों को रब ने यासीन का ना, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह का ना, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम का ना, जिनकी चादर को रब ने या अय्युगल मुज़म्मिल का ना, जिनके कंबल को रब ने या अय्युगल मुद्दसिर का ना, जिनकी हैसियत को रब ने नज़ीरन बशीरन का ना, जिनकी अजमत को रब ने सिराजन मुनीरा का ना। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूं, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई चमक गई, जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया ज़िन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामादे रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में मोटे होटो वाला काला हबशी बिलाल आया, करोड़ों इमामों का वली बन गया। इन्हीं की सीरत अपनाओ, गाना ना सुनो कुरान सुनो, झूठ ना बोलो सच बोलो, झूठ दब रहा है झूठ नाच रहा है सच दब रहा है, निकाह दब रहा है जिना नाच रहा है। अल्लाह की कसम इस जमीन में जाती फैसले की ताकत होती, शादियों में डीजे बजाने वाले कब से जमीन में दस गए होते। अगर आसमान में जाती इंतकाम की ताकत होती, ये बदकारी फैलाने वाले इंटरनेट मीडिया के रास्ते से गलत गलत पैगाम पहुंचाने वाले वेस्टर्न कपड़े पहनकर नीम ओरिया लिबास पहनकर परफ्यूम लगाकर स्टेज पर लड़की नाचने वाली लड़कियां, टिकटॉक पे फेसबुक पे अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली लड़कियां, अरे नाचने वाले इंस्टाग्राम पर नौजवान लड़के, ये बदकारी बदमाशी फैलाने वाली नस्लें, अगर जाती इंतकाम की ताकत आसमान में होती ये आसमान कब से टूट चुका होता। ये जमीन रोजाना शिकायत करती, मौला जिना कर करके चलता है, हराम खोरी कर करके चलता है, रिश्वत ले लेके चलता है, इजाजत दे लुकमा बनाकर निगल जाऊं, समंदर रोजाना इजाजत मांगता है, जमीन रोजाना इजाजत मांग, मेरे रब की करीमी देखो कहां ठहर जा शायद तौबा कर ले। हालांकि अल्लाह वो बेनियाज है, अल्लाह का कुरान कहता है वकम अनलकना कबलगुम मिनल कुरून, अल्लाह फरमाता है पिछली कौमों के वाकयात कुरान करीम में मैंने बयान फरमाए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो। अल्लाह फरमाता है हो मेरे बंदे जमीन पे बदमाशी ना कर, बदकारी ना फैला, जीना ना कर, वरना मैं वो बेनियाज बादशाहों पानी पानी पुकारोंगे, जुबानें कुत्तों की तरह लटक जाएंगी, वलकद अलिमतुमुल लदीन अतदौ मिनकुम फिसबत फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन। अल्लाह फरमाता है वरना मैं वो बेनियाज बादशाहों सिर्फ सनीचर के दिन मछलियों का शिकार किया था, मुफस्सिरीन ने फरमाया अरे शिकार भी ना किया था, घड़े खोद के रखे पकड़ पकड़ की इतवार को खाया था। अल्लाह फरमाता है मेरे सामने तुमने मकर किया तरकीबें बनाई, फिर मैं भी बड़ा बड़ा बेनियाज हूँ, रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, सुबह को उठे अल्लाह ताला ने 70,000 को जलील बंदर बना दिया। जो माँ के पेट में शक्लें बनाने पे कादिर है बोलो जोर से, बेशक वो बाहर बिगाड़ने पे भी कादिर है। तफ़सीरे जलालैन में 3 दिन जिंदा रहे बाद में सब मर गए, चेहरे मस्क कर दिए, एक ही जुर्म किया था, अरे हम तो सैकड़ों जुर्म कर बैठे।
इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी अर्शियों का नबी फर्शियों का नबी दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी फूल की खुशबुओं का नबी चांद की ठंडक का नबी सूरज की श्वाओं का नबी तारों की झिलमिलाहट का नबी जिब्राइल का नबी मिकाइल का नबी मालदारों का नबी गरीबों का नबी रईसों का नबी काले गोरों का नबी मालिक कायनात की कसम नबियों का नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है जब लोग जिना से बदमाशी से बदकाजी से दूर रहेंगे अल्लाह फरमाता है चारों तरफ से मेरी रहमत बरसेंगी रहमत जमीन से उगलेंगी रहमत आसमान से बरसेंगी हमारे नबी का फरमान है जब लोग जिना में मुब्तला हो जाएंगे हराम खोरी में मुब्तला हो जाएंगे चारों तरफ रहमत नहीं अल्लाह ताला की लानतें बरसेंगी काफिरों का मुसल्लत हो जाना लानत नहीं है तो और क्या है रहमत होती तो ये 13 लाख लड़कियां इर्तिदाद का शिकार ना होती रहमत होती तो हम छुपते ना फिरते वो दंदनाते फिरते इबादत इख्तियार करो शराफत इख्तियार करो जुल्म ना करो दिल है ना दिल उसको साफ रखो अच्छा देखा नहीं जाता कोई फॉरेन जा रहा है किसी की लड़की का बियाह कनाडा हो रहा है लंदन हो रहा है वहीं खड़े खड़े जल जाते पिन लगवाते रिश्ता तोड़वाते जुल्म नहीं है तो और क्या है आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दुखी दूसरे से सुख से वो 3 हबशी थे ना काले एक परी आई इनके पास कहा चलो बताओ क्या चाहिए जो जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना पूरी करूंगी एक हबशी कहने लगा पहला मुझे हैंडसम बना दे गोरा चट्टा खूबसूरत उसने छड़ी घुमाई वो हैंडसम हो गया दूसरे से पूछा हबशी से चल तुझे क्या चाहिए कहा मुझे भी वैसा हैंडसम बना दे उसने छड़ी घुमाई वो भी हैंडसम हो गया तीसरा हंसने लगा कहा तुझे क्या चाहिए कहा वापस इन दोनों को काला कर दे उसे हैंडसम नहीं होना है लेकिन ये जो गोरे हुए ना वो देखा नहीं जाता ये हमारे बड़े लोग हैं ना मिसालें देते कि स्कूल में मास्टर ने कहा था 25 बच्चों को बुलाकर और सबके हाथ में एक एक बलून दे दिया और सुई दे दी बलून में सुई मारी जाए तो बलून फट जाता है तो बच्चों से कहा गया जिसका बलून बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा ऐसा नहीं कहा कि एक बचाना है जिसका बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा अब सारे एक दूसरे के बलून को सुई मारकर फोड़ने लगे तो मास्टर ने कहा कि तुम चाहो तो यूनिटी करके 25 बचा सकते थे लेकिन सबकी कोशिश यही थी कि एक दूसरे का फोड़ना है बस तोड़ना है हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है हम चाहे तो उस जैसा बन सकते नहीं मुझे उस जैसा नहीं बनना बस उसको बर्बाद करना है इसकी इजाजत है शरीयत में जिसको रश्क बोलते या अल्लाह उसके पास रख उतना मुझे दे ठीक है लेकिन क्या दुआ है तमन्ना क्या होती या अल्लाह इससे छीन ले मुझे दे दे उसके पास रख मुझे दे दे वो तो दुआ है ये तो रश्क इसकी इजाजत है इसी ये हसद ये हराम है या अल्लाह इससे छीन ले मुझे दे दे मैं और आप तुम अपने माँ के पेट में 120 दिन थे ना 120 दिन के अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है हम लाख कोशिश करें ना किसी का मुकद्दर बदल सकते ना अपना बिगाड़ सकते न किसी का बिगाड़ सकते ना अपना बदल सकते ये सारा सीरत के दायरे में आता है इन सारी कमजोरियां कोताहियां हमारे समाज में मौजूद है पर दावा क्या करते हैं हमारे अब्बा जन्नत से आए हम सीधे जन्नत में जाएंगे कितनी जगह पे जाता हूं ना काम वाला ना हूरों पे बात करना क्या हूरों पे बात करना मैंने कहा फजर पड़ता है कहा वो बाद में पढ़ लूंगा पहले हूर तो सुनाओ जन्नत इतनी सस्ती है अगर जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल हबशी की चमड़ी ना उधेड़ी जाती
जन्नत इतनी सस्ती होती लबीना की चमड़ी न उधेड़ी जाती, जन्नत इतनी सस्ती होती अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जन्नत इतनी सस्ती होती अरे बिलाल की दास्तान अम्मार इब्ने यासिर की चमड़ी न उधेड़ी जाती, जन्नत इतनी सस्ती होती हजारों सहाबा ककी में न होते। हमारे नबी की दास्तान देखो, बिलाल हबशी के गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, सारा दिन चक्की चलाते, हालत बुखार में भी चक्की चलाते, सीने पे चटाने रखी गई, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, लेकिन अल्लाह की कसम वो हबशे का काला बिलाल मोटे होठों वाला, अल्लाह की कसम, लेकिन बिलाल हबशी की दास्तान उठाओ, उसने कभी भी मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी नहीं छोड़ी। क्यों छोड़ते? इन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा था। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह वर्रसूल वमन युतीउर रसूल फकद अताअल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की फरमा बरदारी करो, वमन युतीउर रसूल फकद अताअल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, फरमा बरदारी की, समझ लो मुझ खुदा की ताकत हो गई। पारा नंबर 3 अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब आप पैगाम सुना दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह का महबूब बनना है मेरी सीरत को अपनाओ, मेरे तरीक़ेकार को अपनाओ, अगर तुमने मेरी सुन्नतों को जिंदा कर दिया समझ लो तुम्हें रब की इबादत हो गई, रब की ताहत मिल गई। और उलमाए देवबंद एक एक सुन्नत पे जान दे दी। हम इन्हीं अकाबिर के गुलाम है, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, इनके खिलाफ वारंट जारी था जहां पकड़े जाए गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दिया जाए। 3 दिन तक छुपते रहे, 3 दिन के बाद मस्जिद में आए, लोगों ने देखा तो लोग हक्के बक्के रह गए, मुताज्जबाना लहजे में लोग कहने लगे मौलाना साहब चारों तरफ अंग्रेजी सिपाही आपको ढूंढ रहे, अगर किसी ने देख लिया तो पकड़ के सूली पे चढ़ा देंगे, आपको तो रूपोश होके जिंदगी गुजारनी है, आप यहाँ कैसे आ गए? मौलाना कासिम साहब नानोतवी इश्क रसूल देखो, कहने लगे मैंने सीरत की किताबों को देखा मुताला किया, गारे सौर के 3 दिन के अलावा कहीं पूरी जिंदगी में ये नहीं मिलता अल्लाह के नबी ने रूपोश होके जिंदगी गुजारी हो। मैं 3 दिन तक छुपता रहा, आका की सुन्नत पे अमल हो गया, अब फांसी पे चढ़ा दे मुझे सजा मंजूर है। ये कौन जाना काबिर देवबंद को? कितने नौजवानों को तो नाम ही नहीं पता। सलमान खान की फिल्मों का बुफे लगा हुआ है, अताउल्ला बुखारी कुतुब खाने में मजलूम पड़ा हुआ है। यही तो वजह है वो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमारे पास तारीख ही कहाँ है, हमको याद ही कहाँ है कुछ। स्कूल से तो वैसे भी सारा मिटा दिया है, मदरसों में वो सारे बिहार बंगाल के बच्चे पढ़े हुए, गुजरात के आते कहाँ है? जितना रोल उनका नहीं उतने उनसे कई गुना ज्यादा रोल तो हमारा है, उनका जितना हक उससे कई गुना हमारा हक है, लेकिन साबित कैसे करे? याद हो तो साबित करे। कौन जाने मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी कौन थे? अल्लाह की कसम बर्फ के 2 पाटों के बीच में भीचा गया, बेहोश हो गए, अंग्रेज गवर्नर कहता है उठाओ, एक सिमत रखा गया, आंखें खोली, अंग्रेज गवर्नर आके पूछता है बता लाहौरी तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। शाताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्ला अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बगल के बालों को नोचा गया, नाखून नोचे गए, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दे दी, सारी सारी रात अंग्रेज गवर्नर की ये ज़हनियत थी, सारी सारी रात बुखारी चक्की चलाता होगा, सुबह 4 बजे का वक्त है, बुखारी की कोठड़ी की विजिट लेने के लिए अंग्रेज गवर्नर आया, क्या मंजर देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अताउल्ला बुखारी रहमतुल्ला अलैह मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है, अंग्रेज गवर्नर पूछता है हो बुखारी मैं क्या देख रहा हूँ? अताउल्ला शाह बुखारी फरमाने लगे ओ जालिम तू
तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिया था, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। पकड़ के लाया गया, अपने फतवा दिया है, कहा दिया क्या होता है, कल भी दिया था आज भी देता हूँ, जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान है, जिस्म में, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा तेरी गुलामी हराम है, फांसी दूंगा फांसी का, कोई परवाह नहीं, अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूँ, वहां से क्यों लाया, यहाँ भी मिल जाता, कहा सारी जिंदगी जिस कौम की मुखालफत की उसकी चादर ओढ़ के कब्र में जाते शर्म आती है, फतवा बदल दो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहने लगे इरादा बड़ा गलत है, कहा फतवा बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। 18 साल गुम्बदे खजरा की जाली के सामने बैठकर पैगंबर की हदीस पढ़ाई, जब दारुल देवबंद में आए, अब तो रोजा रहा नहीं, सामने दारुल हदीस के सामने छोटा सा गुलशन था, वहां घास उगी हुई थी, वहां कीकर का दरख्त लगवाया जो कांटे वाला होता है। मुरीदीन ने कहा हजरत जी बाग में तो फूल उगाए जाते हैं, आपने कांटे वाला दरख्त तो लगाया कहां, जब मैं ये देखूंगा मुझे अल्लाह के नबी के बेहतरीन जवान वाला मंजर याद आएगा कि जिस दरख्त के नीचे हुजूर ने सहाबा से बैत की थी, अगरचे वो फूल नहीं देता, इसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन मेरा इश्क का तकाजा ये है जब जब मैं कांटे वाला कीकर का दरख्त देखूंगा मुझे बेहतरीन जवान वाला मंजर याद आएगा। फारस के बड़े बड़े बादशाहों के साथ बैठे हुए थे हुज़ैफ़ा इब्न यमान, खाना लुकमा उठाया नीचे गिर गया तो वापस उठाया, तो बगल वाला कहने लगा उठाया गिरा हुआ लुकमा उठाना यहाँ ऐब समझा जाता है, बड़े बड़े बादशाह यहाँ बैठे छोड़ दो इसे, कहाँ अतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से जाहिलों की वजह से मैं अपने आका की सुन्नत छोड़ दू, यहाँ तो फ्रीज खोल के खड़े खड़े पानी पीते, खड़े खड़े पेशाब करते। और हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने इसकी भी वजाहत फरमाई, बैठने भी कई फवाइद लिखे, खड़े खड़े पीना ये तो लालच की दलील है, और कोई चीज सीधे किसी जगह पे गिरे तो वजन पड़ता है, खड़े खड़े सीधा यहाँ जाता है वजन पड़ता है, हजम होने में देर लगती है, जब बैठते हो तो यहाँ पेच लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो आसानी से हजम भी हो जाता है। तीन सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, प्यास भी बुझ जाएगी, आका की गुलामी का सवाब भी मिल जाएगा। यूरोप के डॉक्टरों ने रिसर्च की कि मुसलमानों का नबी कहता है कि अगर किसी बर्तन में नापाकी लग जाए तीन दफा दो बर्तन पाक, गोबर लग जाए तीन दफा दो पाक, किसी भी किस्म की नापाकी बर्तन को लग जाए, कपड़े को लग जाए तो तीन मर्तबा दो पाक, लेकिन अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो सात मर्तबा धोने का हुक्म दिया, और आठवीं मर्तबा अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ्फल की रिवायत है कि आठवीं मर्तबा मिट्टी से रगड़ने का हुक्म दिया। तो यूरोप के जो रिसर्च करने तहकीक करने वाले जो यूरोप वाले डॉक्टर थे वो सोच में पड़ गए, हर नापाकी के लिए इनके नबी ने कहा तीन दफा धो, लेकिन कुत्ता जब बर्तन में मुंह डाल दे तो सात मर्तबा धोने का हुक्म क्यों दिया, तो जिस बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाला था एक दफा धोया, फिर खुर्दबीन से देखा फिर भी कुत्ते के मुंह के जरासीम मौजूद थे, दूसरी दफा धोया फिर देखा, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं मर्तबा धोकर फिर देखा, तब जाकर कुत्ते के मुंह के जरासीम खत्म हुए। वो यूरोप के डॉक्टर कहने लगे इनके नबी का कोई फरमान हिकमत से खाली नहीं हो सकता है। 40 डॉक्टरों ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। खाना खाने का तरीका बताया, अगर दाने वाली शक्ल वाली कोई चीज हो तो दो नहीं उठा सकते एक साथ, मिशकात में अगर दो साथ खाना है तो पड़ोसी को पूछना है, यहाँ दो क्या दस दस एक साथ फांग मारता है, इजाजत के बगैर दो एक साथ नहीं ले सकते, एक एक दाना खाना है, यहाँ तो शादियों में बिन बुलाए घुस जाते, मिश्कात शरीफ में जो बिन बुलाए शादी में जाए ना तो अंदर गया चोर निकला डाकू। खाना खाने का तरीका ये उन्हें आलू के टुकड़े को धक्के देते रहे, बोटियां खींचते रहे, अपनी तरफ से खाओ, बीच वाला छोड़ दो, बीच में रहमत उतर दी है,
कौन सिखाता इतना सारा। इकराश बिन जोएब मिश्कात में अल्लाह के नबी दावत में जा रहे थे, इकराश बिन जोएब आ गए, कहा या रसूलल्लाह कहां जा रहे हो, कहा दावत में जा, तू भी साथ चल, बेतकल्लुफी होगी, साथ ले लिया। जब खाना खाने बैठे तो सरीद लाया गया, सरीद शोरबे में रोटी के मोटे मोटे टुकड़े भिगो दिए जाए, ये खाना हुजूर को बड़ा लजीज था। आज कौन जाने सरीद, ये टंगड़ियों से फुर्सत नहीं है, सरीद कौन जाने। कभी कभी सुन्नत की नियत से खा लिया करो सरीद। तो इकराश बिन जुएब इधर से खा रहे, साइड पे खा रहे, आगे जा रहे, बीच में से ले रहे, इस इधर वाले से ले, चारों तरफ हाथ मार रहे, थाल में हाथ पकड़ लिया। इकराश कुल मिन मौदाइन वाहिदिन फइन्नहु ताअमुन वाहिद, एक ही जगह से खाओ, खाना एक ही किस्म का है। सरीद खाया गया, थाल उठा लिया, दूसरा थाल लाया गया जिसमें बहुत सारी खजूरें थी, कच्ची थी, पक्की थी, अधकच्ची थी, अधपक्की थी, रंग बिरंगी थी। तो हुजूर यहां से ले रहे, साइड पे से ले रहे, बीच में से ले रहे, आगे से ले रहे। तो इकराश बिन जुएब सोचने लगे, अभी मेरा हाथ पकड़ लिया था, अब चारों हाथ थाल में वही खुद हाथ मार रहे। जब मौतरीजाना रवैया इनका हुजूर ने पढ़ लिया तो कहने लगे इकराश इकराश, हुजूर ने फरमाया कुल मिन हैथु शिता फइन्नहु गैरु लौनिन वाहिद, जहां से मर्जी चाहे खाओ। रोका इसलिए था खाना एक किस्म का था, खजूरें मुख्तलिफ किस्म की है, मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वमन युशाकिक الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी की इताअत ना करेगा, मेरे नबी की मुखालफत करेगा, हिदायत के आ जाने के बाद मेरे नबी से एराज करेगा, मोमिनीन का रास्ता छोड़कर काफिरों के रास्ते यहूदियों के तर्ज जिंदगी अपनाएगा, खाना खाएगा खाने में बरकत नहीं, पानी पिएगा पीने में बरकत नहीं, आराम करेगा सोने में बरकत नहीं। अल्लाह फरमाता है हर हर मामले में मेरे नबी की इताअत करते जाओ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, तू इताअत करता जा, मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में बदलता जाऊंगा। हदीसे पाक में आता है मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नाम आमाल टटोला जाएगा, उसके नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है, वो रोएगा पछताएगा, काश के मेरी कोई ऐसी नेकी निकल आती जो दुखूल जन्नत का जरिया बन जाती, अब तक तो मैं कब्र में अजाब भुगतता था, अब तो मेरी फाइल भी खुल गई, पता नहीं क्या हशर होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही, अल्लाह का कुरान कहता है ऐसा खौफनाक मंजर होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी का नहीं, अरे पसीने पसीने में शराबोर होंगे, पूरी जमीन तांबे की होगी, सूरज एक मील करीब होगा। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है इतना बदबूदार पसीना होगा, एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग भी बदबू से फट जाए, इतना गर्म पसीना, इतना गर्म पसीना, एक कतरा उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। मिश्का शरीफ में मौजूद है किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ है। ऐसा हम हमी वाला आलम है, एक आदमी की फाइल खुलेंगी, नेकी वाले पलड़े में कुछ भी नहीं, बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है, हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाला इसके पास आकर कहेगा तू क्यों परेशान है, वो बंदा कहेगा मेरी फाइल खुल गई, मेरा नाम है आमाल खुल गया, मैं हलाक हो गया, मैं रुस्वा हो गया, मेरे नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं। वो हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले उंगली के पोरवे के बराबर कागज का टुकड़ा उसके हाथों में देंगे, जा तेरी नेकी वाले पलड़े में रख दे, वो आदमी सोचेगा ये छोटा सा कागज का टुकड़ा क्या काम करेगा, जो ही नेकी वाले पलड़े में रखेगा नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियों वाला रजिस्टर हवाओं में उड़ेगा, वो आदमी कहेगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आप कौन है, वो आप
वो आदमी फरमाएगा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ। एक दफा दुनिया में अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ तूने मेरी जात पे दुरूद शरीफ पढ़ा था, मेरे अल्लाह ने मुझ तक पहुँचाया था, आज मैंने संभाल के रखा था, आज मैंने तुझे वापस कर दिया। पढ़ो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे काम करके मरो कि मरने के बाद काम आए। माली माली माली, मेरा माल मेरा माल, अरे तेरा नहीं है। मिश्कात में तीन चीजें तुम्हारी है, बाकी कुछ भी नहीं। खाया हजम कर दिया, पहना फाड़ दिया, या जो आगे भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। अब तो सकरात में होते ना, सिग्नेचर करवा लेते। अब्बा का ठिकाना नहीं, डॉक्टर ने 48 घंटे को कहा है अब्बा अंगूठा मार दो वरना भाई हड़प कर जाएगा। मकान बनाते 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 जिंदगी गुजर जाती है। बहुत सारे ऐसे मकान बन गया, एक रात का बसेरा भी मुश्किल है, उससे पहले अल्लाह उचक लेता है। कभी 8-8 साल लग जाते रिफ्यूज होते होते, जब वीजा लगता है तो वहां मुकद्दर नहीं होता, एयरपोर्ट पे मौत आ जाती है। क्या जिंदगी है, 60, 70, 80 के बाद तो बंदा खुद थक जाता है। और कयामत का एक दिन 29वां पारा, 50 अल फसल, 50,000 साल का एक दिन होगा। इसी तरह एक और हदीस है, हदीस बिताका मिश्कात में है। एक आदमी का नाम है अमल टटोला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से कागज का टुकड़ा दिया जाएगा। एक दफा मेरी जात और सिफात का एतराफ करते हुए, शिर्क और बिदत से हटकर एक दफा तूने दिल की सच्ची गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, मैंने बैंक में रखा था, आज तुझे वापस कर दिया। बल्कि अल्लाह बख्शने पे आए उसकी रहमत तो बहाना ढूंढ दिए। बल्कि हदीस में आता है एक आदमी के नामे अमल में नेकिया और बुराइया दोनों बराबर की होगी, नेकिया और बुराइया दोनों बराबर। अब नेकिया भी है तो जन्नत जहन्नम में ना जाएगा, बुराइया भी है लेकिन नेकिया साथ में तो जन्नत में ना जाएगा, बीच में खड़ा कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं अराफात। जब सारे जन्नत में लोग जाएंगे, जन्नत की खुशबुएं हवाएं उसके पास आएंगे, तो वो अल्लाह ताला से कहेगा इलाहुल आलमीन ये जो हवाएं और खुशबुएं आ रही है ना वहां करीब जाके खड़ा कर दे, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। कहा पक्का कुछ नहीं मांगेगा? कहा कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जाओ उससे हवाएं और खुशबुएं जा रहे वहां करीब कर दो। जब वो करीब जाएगा तो जन्नत का दरवाजा नजर आएगा, तो वो कहेगा मालिक तेरी किबरियाई की कसम मुझे सिर्फ दरवाजे के करीब लाके खड़ा कर दे। वो अगली कसम भूल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, तेरी जात की कसम तेरे सिफात की कसम। अल्लाह कहेगा पक्का अब कुछ नहीं मांगेगा? कहा कुछ भी नहीं मांगूंगा। कहा जाओ और जाके करीब जन्नत के दरवाजे के करीब जाके खड़ा कर दो। वहां खड़ा कर दिया जाएगा तो मिश्कात शरीफ में अंदर जन्नतियों के खेलने की आवाज उसके कानों में आएंगी। वो कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे अंदर नहीं जाना है, सिर्फ दरवाजा खोल के बता दे अंदर है क्या। तो अल्लाह कहेगा जालिम कसम खाता है तोड़ता जाता है, नहीं नहीं अब कुछ नहीं मांगूंगा पक्का, बस इतनी आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, सिर्फ दरवाजा खोल के बता अंदर है क्या। तो अल्लाह कहेगा पक्का? कहाँ पक्का? अब कुछ नहीं मांगूंगा। दरवाजा खोल के दिखाया जाएगा, जू ही दरवाजा खोल के अंदर का मंजर देखेगा, गिरती आबशारे बर्फ पोश वादिया दरख्तों की कतारे, इतना खूबसूरत मंजर, ये लहलहाते सब्जे और परियों और हूरों की खूबसूरतियां। फौरन अपनी अगली कसम भूल जाएगा, कहेगा मालिक तेरी रहमत ने दरवाजे तक पहुंचा दिया, अंदर को धक्का देने में तेरा जाता क्या है। मिश्कात शरीफ में हमारे नबी हंसे मुस्कुराए, यहाँ दाढ़े दिखने लगी और हुजूर ने फरमाया मैं नहीं हंसा इस बात पर तो मेरा अल्लाह भी हंसा था। कैसा जालिम है, कसम खाता है तोड़ता है, खाता है तोड़ता है, वादा करता है तोड़ देता है। अल्लाह ताला कहेगा जा ऐसी 10 गुनी जन्नत तेरे नाम करता हूं। उसकी रहमत तो बहाना ढूंढती है, हम दूर भागते मस्जिदों से तो हम दूर हो रहे।
प्यार करो, अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को फातिमा की कहानी सुनाओ। ये हिटलर, माइकल जैक्सन, ये हीरो, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्र में आसूदगी नहीं पैदा करेंगे। अगर नबी की सीरत आ गई तुम्हारे मरने के बाद, इन्होंने नबी के नक्शे कदम, नबी की सीरत को अपनाया, तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र को अल्लाह जन्नत का बागीचा बनाएगा। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्न अली डटा हुआ है, बेशक फातिमा बिनत मोहम्मद की दूध की तासीर थी। बच्चे कहाँ जा रहे पता ही नहीं, ना माँ को पता है ना बाप को पता है। 7-7, 8-8 साल के बच्चे गलत काम करते। अब आपके पास 3315 वाला फोन है और बच्चे के पास आईफोन है, बच्ची के पास आईफोन है। ये मोहब्बत में इतना गुलू करते हैं कि ये बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल ब्लॉक कर रहे हैं। सही तरबियत करो, इनका उठना बैठना देखो, इनकी खलवत जलवत पे नजर रखो। खुद भी नबी की सीरत अपनाओ, बच्चों को भी नबी की सीरत पढ़ाओ। अगर अल्लाह के नबी की सीरत और अल्लाह का कुरान हमारी जिंदगी में आ गया, इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत, बोलो जोर से, बेशक हमें हरा नहीं सकती। कायनात की कोई ताकत हमें रुसवा नहीं कर सकती। इसलिए अल्लाह के नबी ने आखिरी मौके पर कहा था, दो चीजें देकर जा रहा हूं, इन समस्तक तुम बिहिमा लंत जिल्लु बादी, मजबूती से थाम लिया मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और एक सुन्नती मेरी जिंदगी। तुम्हारा जनाजा उठे, तुम्हारा बेटा सूरह यासीन पढ़ता हुआ, ऐसी तरबियत करो, तुम्हारा जनाजा उठे, तुम्हारी बेटी तुम्हारा आखिरी चेहरा देखने के लिए आए सूरह यासीन पढ़ती हुई आए, तुम्हारी बहन तुम्हारा आखिरी चेहरा देखने के लिए आए सूरह रहमान पढ़ती हुई आए, सारा घराना कुरान पढ़ते पढ़ते तुम्हें पैवंदे खाक करे, अल्लाह के दरबार तक पहुंचाए। अगर तुम्हारे घर वालों की ये तरबियत हो गई, तुम्हारे बच्चे बच्चियों के सीनों में कुरान आ गया, सारा घराना कुरान पढ़ते पढ़ते तुम्हें रुखसत करेगा और तुम सीधा बाबे रैयान से जन्नत में चले जाओगे। लेकिन हालात कैसे, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, ड्राइवर के हाथों मौत आई, ड्राइवर बेनमाज, हमारा गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म लाने वाला घर ड्राइवर बेनमाज, हमारी कब्र खोदने वाले बेनमाज, हमारा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, मिन्हा खलकना कुम पढ़कर मुर्दार चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज, उठाने वाले बेनमाज, कांधे बदलने वाले बेनमाज, अगर हम नमाजी भी मरे, ये सारा बेनमाजी घराना हमें कब जन्नत में जाने देगा। इसलिए मस्तूरात की ज्यादा फिक्र कर, इन्हें रोटी पकाने वाली मशीन न समझो, इन्हें दीन दो। माँ में दीन है, बच्चों में बच्चियों में दीन आएगा। बाप से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा और अपने अजीजों दोस्तों से भी कहूंगा, एक तनिम खमसन कबल खमसीन, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझ लो। नौजवानों से कहता हूँ, हयात का कबल मौती, तुम्हारी मौत आए जनाजा उठे, इससे पहले अपनी जिंदगी की कदर करे। शबाब का कबल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करे। सेहत का कबल सुकमिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। फराग का कबल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का कबल शुक, गिना का कबल फकरिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की फिक्र करो। ये सारी अहादीस किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ो, तर्जमा सुनो, इस पर अमल करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत हमें कभी रुसवा न करेंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो है, जिसके इजहार ताजियत के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है। हमारे मुफ्ती साहब की क्या, खालू, खालू की वालिदा क्या नाम, बीबी मरियम, बीबी मरियम, अल्लाह मरियम अलैहि सलातु सलाम के साथ इनका हशर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, हसनात को कबूल फरमाए, सैयाद को अपने फजल से माफ़ फरमाए। किसी की इजहार ताजियत में हम बैठे हुए, कल हम कब्रों में होंगे, दूसरे चेहरे हमारी इजहार ताजियत में बैठे हुए होंगे। इसलिए ये दुआ हो, इससे पहले इस आले सवाब के लिए 3 दफ़ा पूरा मजमा सूरह इखलास पढ़ ले, एक मुकम्मल कुरान का सवाब मिलता है। बाद में पढ़े ना पढ़े, लेकिन अभी फिलहाल मस्जिद में बैठकर पूरा मजमा मरियम बीबी के इस आले सवाब के लिए 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर इनको इस आले सवाब कर ले। जो कलमा मुकर्रर आए वो आपको मेरे साथ पढ़ना है, हम्द है जिक्रुल्ला हो जाएगा। जो कलमा मुकर्रर हो वो मेरे साथ पढ़ेंगे, जो कलमा बार बार आए वो मेरा खुदा
मेरा खुदा, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। आगे वाला शेर मुक्ति शाही साहब, बहुत खूबसूरत। फिर आने को दरिया में डूबो कर मिटा, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान पर किसी भी नौइयत का जुल्म हो रहा हो, घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत सारे जालिम पीछे गुजरे, अल्लाह ने कैफरे किरदार तक पहुँचाया, यहाँ तक पानी आया था ना कि मैं मूसा हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के तेरे ईमान तेरे मुंह पे मारता हूँ। फिरौन जिसके सर में 400 बरस तक दर्द नहीं हुआ, जब अल्लाह ने उसको पानी में गर्क कर दिया, तो फिर ये जुल्म करने वाले कौन सी चीज है? अगर ये मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, तो फिर इनके मंसूबे अल्लाह इन्हीं के तरफ लौटाएगा। हमारा मुल्क, हम अमन शांति का पैगाम देने वाले हैं, हम जुल्म को पसंद नहीं करते। अगर हम पर जुल्म हो रहा है, इंशाल्लाह रब की मदद आएंगी, बोलो इंशाल्लाह। मजबूर परेशान जमाने का सताया, आज मुसलमान मजबूर परेशान जमाने का सताया, बेगाना हुआ जिससे हर एक अपना पराया, जब दस्त दुआ उसके हुजूर अपना उठाया, बहुत खूबसूरत। मासूम परिंदों की सदाओं में मिलेगा, हंसते हुए फूलों की अदाओं में मिलेगा, महकी हुई पुर कैफ हवाओं में मिलेगा, मासूम शाहिद वो जो हर एक
आमीन आमीन दुरूद शरीफ। اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम पापी है मुजरिम है। रात के अंधेरियों में दिन के उजालों में गुनाह को गुनाह समझकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफी अता फरमा। या अल्लाह तूने बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को भी माफ़ कर दिया था। हम तो तेरे हबीब की उम्मती है, गंदे हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह ये माथा तेरे अलावा कहीं नहीं झुकता। तुझे तेरी रुबूबियत का वास्ता, या अल्लाह तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता। या अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जिस मकसद के तहत ये मजलिस मुनाकिद की गई है, या अल्लाह मरहुमा को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। तेरे नबी की शफात नसीब फरमा। बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह ता हद नज़र कब्र को वसी बना। कब्र के हालात से, या अल्लाह कब्र के अजाब से, या अल्लाह मरहुमा की, या अल्लाह दीगर जितने मरहुमीन हमारे गांव से तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, या अल्लाह सब की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह एक दिन हमें भी तेरी बारगाह में जाना है। या अल्लाह इन हाथों से कितने जनाजे उठाए, इन कांधों पे कितने जनाजे रखे, इन कानों से कितने अलाना सुने। मिन्हा खलकना कुम पढ़कर हजारों मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली। हम जानते इस रसम से हमें भी गुजरना है। या अल्लाह एक चादर हम पे ऐसी डाली जाएंगे हम नहीं हटा सकेंगे। एक गुसल ऐसा दिलाया जाएगा दोबारा दूसरे की नौबत भी नहीं आएंगी। या अल्लाह वो वक्त आए तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। बुक्स की ना अदावत दुश्मनी हसद लालच, या अल्लाह इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल, नौजवानों की नौजवानी को बर्बाद करना, या अल्लाह पेशानी के तकद्दस को पायमाल करना, शर्मगाह के तकद्दस को पायमाल करना, आँखों का जीना करना, पेट में हराम लुकमों का डालना, पाँव का गलत सिमत चलना, उलमा की बेहरमती करना, मस्जिदों की बेअदबी करना, जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाना। या अल्लाह क्या कुछ नहीं करते। सारी बीमारियों से हमारे समाज सोसाइटी को, मुसलमान इम्मत मुस्लिमा के हर हर फर्द बंदे बंदियों को इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह जो लोग, या अल्लाह इस मुल्क की फिजा को, या अल्लाह अमन अमान को बर्बाद करना चाहते, या अल्लाह इनको सही हिदायत अता फरमा। या अल्लाह सही हिदायत अता फरमा। या अल्लाह सही हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितना काबिर, या अल्लाह इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे जितना काबिर ने, या अल्लाह अपने खून से इस मुल्क को आज़ाद अंग्रेज़ों से कराया था, या अल्लाह उनके खून के कतरों के सदक़े में, या अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे अकाबिर की जिंदगियां पढ़ पढ़ कर इनके नुकूश पाप पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने लोग हमारे गाँव से अतराफ व जवानिब से बिरूनी ममालिक में हैं, या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इस मजलिस में, या अल्लाह इस प्रोग्राम को जीनत बख्शने के लिए, या अल्लाह अतराफ व जवानिब से जितने मेरे मुहिब्बीन मेरे चाहने वाले आए हुए हैं, या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं, या अल्लाह सबकी हाजिरी मंजूर फरमा, सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, या अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने में, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरमे कदमे सुखने, या अल्लाह सबको जजाए खैर अता फरमा। हमारे, या अल्लाह हमारे रफीक भाई मुस्कान साउंड सिस्टम वाले, या अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमा, इनकी बीमारियों को दूर फरमा, इनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजलो करम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में कबूल फरमा। जितने हम उलमाए किराम है, हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमा। ये अल्लाह इशात दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक, या अल्लाह हमें मंजूर मकबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक।
بك خير الخلق.